विश्व की सबसे पुरानी पैथी होम्योपैथी को लेकर डॉक्टर्स की तरफ से कई दावे किए जा रहे हैं। हाल ही में आयोजित एक सम्मेलन में देश विदेश के होम्योपैथिक डॉक्टर्स सम्मिलित हुए और उन्होंने लोगों को होम्योपैथ की नई तकनीकों से रूबरू करवाते हुए होम्योपैथ के संपूर्ण और किफायती होने का दावा किया। इसके साथ ही उन्होंने नई प्री मेडिकेटेड दवाएं और बायोरोन ट्यूब्स के बारे में भी बताया। अक्सर होम्योपैथ की दवाई खाते समय अंदाजे में चूक हो जाती है या फिर हमें हाथ में लेकर खानी पड़ती है, लेकिन इस नई ट्यूब से इन दिक्कतों से निजात मिलेगी। इस ट्यूब की खासियत है कि इसके कैप को जितनी बार घुमाएंगे गोलियां सिर्फ उतनी ही बाहर आएंगी। हमने रॉ मटेरियल सिलेक्शन से लेकर मेडिकेशन तक, जो ग्लोब्यूल्स को मेडिकेट करते हैं, उन ग्लोब्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग भी हम इनहाउस करते हैं। इट्स अ 16-day प्रोसेस, सो एंटायर प्रोसेस हैज बीन साइंटिफिकली स्टैंडर्डाइज्ड एंड इट इज द प्लांट इज USFDA अप्रूव्ड, यूरोपियन एजेंसी अप्रूव्ड, एंड देर इज लॉट ऑफ इनोवेशन इन द वे वी डिलीवर द मेडिसिन टू द पेशेंट। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी आप ये देखेंगे ट्यूब, पेशेंट ही इसकी सील तोड़ता है जब वो फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करता है। इसको आप घुमाएंगे तो विद ईच रोटेशन एक पिल बाहर आएगा। आपको 5 पिल देनी है, आप 5 बार घुमाइए और ये पिल्स ले लीजिए, ऐसे बाहर नहीं आएगी। तो आपका कहीं भी इसमें हैंड टच नहीं होता है, कोई कंटेमिनेशन नहीं होता। इट्स वेरी कन्वीनियंट एंड दीज आर मेडिकेटेड एंड ड्राइड ग्लोब्यूल्स बींग फिल्ड इन दिस ट्यूब, सो द प्लास्टिक इज नॉट रिएक्टिंग एनी वे विद द लिक्विड। द प्लास्टिक इज फार्मा ग्रेड HDPE, द फार्मास्यूटिकल ग्रेड प्लास्टिक है। सो दिस लेवल ऑफ क्वालिटी and this convenience is what is standing us stand is makes it, making Vorma stand apart from the rest of the companies. लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इतनी पुरानी पैथी होने के बावजूद यहाँ डॉक्टर और मरीज में पारदर्शिता नहीं है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों का भरोसा एलोपैथी है। कई बार मरीजों की तरफ से ये सवाल उठता है कि हमें जो दवाइयाँ दी जा रही हैं, उनके नाम हमारे प्रेस्क्रिप्शन पर क्यों नहीं। एक मेडिसिन जब डॉक्टर को एक मेडिसिन दे दी जाती है, जब आपने दे दिया, मैंने नक्स वोमिका दे दी, नक्स वोमिका मैंने किसी खास लक्षण पे दी है, दोबारा जब उसको मैंने बुलाया है तो मुझे केस को रीअसेस करना है कि मुझे नक्स वोमिका सेम पोटेंसी देनी है या उसकी पोटेंसी को बढ़ा के देना है या मुझे कोई नई दवाई देनी है। ये चुनाव पेशेंट खुद नहीं कर सकता। तो मतलब एक तरह से सेल्फ मेडिकेशन जो की आदत लोगों की पड़ी है उसमें ये थोड़ा सा सेल्फ मेडिकेशन मॉडर्न मेडिसिन में भी हो सकता है क्या? इस बेस पे मेडिसिन को एक्सप्लेन नहीं करना कि क्या दे रहा हूँ ये explain, सही है? Explain तो या नाम प्रिस्क्राइब नहीं करना ये सही है? एक्सप्लेन तो करना चाहिए और यदि मांग रहा है तो नाम भी देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरा। लेकिन उसके मॉडलिटीज ये हैं कि यदि वो उसको नाम लेके उसको ऐसा खाना शुरू कर देगा तो उसको नुकसान हो जाएगा। दूसरा, डॉक्टर का अपना पर्सनल एंगल भी होता है और जो चीज़ इन प्रैक्टिस है वो यही है कि जल्दी से नाम देते नहीं है। होम्योपैथी डॉक्टर्स की तरफ से अक्सर ही कहा जाता है कि होम्योपैथ बीमारी का इलाज करता है, ना कि बीमार का। लेकिन जब तक डॉक्टर और मरीज के बीच पारदर्शिता नहीं होगी, लोगों का भरोसा जीतना थोड़ा मुश्किल है।